आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। लंबी दूरी की ट्रेन हरिद्वार एक्सप्रेस में कई वर्षों से पेंट्री कार लगाने की मांग की जा रही है, परंतु रेल विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इससे पूर्व कई राजनीतिक दलों ने रेल विभाग से यह मांग की थी, लेकिन कोई नतीजा सामने न आने पर इस बार आरटीआई एक्टिविस्ट प्रकाश तलरेजा ने फिर से यह मांग दोहराई है। हमने की उनसे सविस्तार बातचीत, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। हमारे उल्लासनगर से एक वर्ष में तकरीबन 12 से 15 बड़े जत्थे दरबार अपना हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं। श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी टीम संख्या जाती है, वो हज़ारों की तादाद में, जहाँ तक इन जत्थों में पूरी की पूरी ट्रेन बुक कराई जाती है हमारे उल्लासनगर के संतों महात्माओं की तरफ से। इतने बड़े जत्थों में तकरीबन ये 30 से 32 घंटे का सफ़र होता है। उस ट्रेन का नंबर है 12171 और वहाँ से 12172 हरिद्वार सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो हमारे यहाँ मुंबई से कल्याण से डायरेक्ट जाती है हरिद्वार से हरिद्वार तक। इतने बड़े लंबे सफ़र में पेंट्री कार का अरेंजमेंट नहीं है, किचन का अरेंजमेंट नहीं है। इतने लंबे सफ़र में यात्रियों को, श्रद्धालुओं को भूख लगती है। जब तक बाहर से खाना नहीं आता है तब तक उन्हें भूखा रहना पड़ता है। पानी की सुविधा नहीं है। अगर पेंट्री कार का सुविधा उस ट्रेन में उपलब्ध कराया जाए तो इन सभी श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। जो बुज़ुर्ग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए हरिद्वार में, उनमें से कई सारे डायबिटिक होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनको समय पर खाना चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। जो छोटे दूध पीते बच्चे हैं उनको समय पर दूध चाहिए। और जो तीसरी प्रमुख बात है वो इससे भी ज़्यादा भयंकर होती है कि जब आप अपने रिश्तेदार से, किसी मित्र से किसी स्टेशन पर खाना मंगवाते हैं तो वहाँ के कैंटीन वाले इसका विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस भी उसका विरोध करती है, तो उससे कैसे निपटा जाए? उससे निपटने का और कोई माध्यम ही नहीं है। हमने रेल मंत्रालय, रेल मिनिस्टर से लगातार 3 साल से पत्र व्यवहार किया है, कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन इस बार इस मुद्दे को हमने कुछ इस कदर उठाया है कि सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट change.org एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा पिटीशन वर्क है जिसमें आप किसी भी मुद्दे को उठाएंगे तो पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर अधिकारी, पर्टिकुलर मिनिस्टर तक आप पहुंच सकते हो उस समय, उस विषय को हल करने के लिए, उस मुद्दे को हल करने के लिए। ऐसा ही एक विषय मैंने रेल मंत्रालय के लिए उठाया है, change.org पे एक मुद्दा ऐसा उठाया है कि हम लोगों को तकरीबन 100 से 300 लोगों को उस सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके वहाँ पे ब्लू लिंक को क्लिक करना है। और जैसे लिंक खुलेगी वहाँ पर अपना नाम और ईमेल आईडी दर्ज करना है और साइन करके एक बटन है, उसको साइन दबाना है, तो आप डायरेक्टली उस पिटीशन से जुड़ जाओगे, आपका समर्थन उस पिटीशन से जुड़ जाएगा। अगर आपका समर्थन जुड़ता है, ये संख्या तकरीबन 100 से 300 तक भी पहुंच जाती है, तो हमारा हल 1 घंटे में भी निकल सकता है। अब देखिए, मैं इस बात पर आता हूं कि इस हरिद्वार एक्सप्रेस को चलवाने के लिए, खास करके कल्याण से चलवाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए थे। पूर्व आमदार शीतलदास हरचंदानी जी ने उस समय के सांसद प्रकाश परांजपे को कई बार विनंती की थी, फिर आनंद परांजपे जी ने भी समर्थन दिया और आखिरकार ये ट्रेन कल्याण से शुरू हुई थी। अब उसके बाद जो है, हमारे यहाँ की जो वर्तमान आमदार हैं, विधायक हैं, श्रीमती ज्योति कालानी इस बात को समर्थन देती हैं कि पेंट्री कार होनी चाहिए। जो हमारी पूर्व महापौर हैं श्रीमती आशा जीवन इदनानी जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से पत्र व्यवहार भी किया था और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर इस तरह की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि राजकीय पक्षों के माध्यम से अगर सरकार तक ये बात पहुँचाई जाए तो शायद समाधान जल्दी निकले? जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन हमने भी जिस तरह मैडम आशा इदनानी ने जो कार्य किए हैं ना, उसी तरह हमारे शहर की कुछ संस्थाएं हैं, उनके साथ खुद मैं जाके हमारे एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे उनसे पर्सनली मिले हैं, उन्हें उनसे पत्र व्यवहार 2 साल से किया है। अभी जो आपने लिंक बताया, आपको ऐसा उम्मीद है कि उसी के माध्यम से ये कार्य हो सकता है? 100% सक्सेस मिलेगा। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास।